हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिन निफ्टी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज फिन निफ्टी की एक्सपायरी में, फिन निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम देख सकते हैं जो मैंने ये ग्रीन जोन बनाया हुआ है, ये एक ट्रैप जोन या कंसोलिडेशन जोन आप बोल लीजिए। तो इसमें काफी छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जैसे कि यहाँ पे भी फॉर्म हुई थी, और दूसरा विक्स काफी यहाँ पे नीचे है, तो काफी कॉशियस होके ट्रेड करने की यहां पे जरूरत है फ्रेंड्स। तो यहां पे कोई बड़ी ट्रेड लेने की यहां पे खास यहां पे ऐसी आवश्यकता नहीं है कि बड़ी क्वांटिटी से यहां पे ट्रेड करें, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो भी यहां पे चलेगा, क्योंकि यहां पे कोई खास मोमेंटम आपके पकड़ में आने वाला नहीं है। और दूसरा जो है, मार्केट यहां पे ट्रैप करेगी, उसका रीजन यहां पे विक्स है एंड क्लियर कट यहां पे किसी जोन में, फ्री जोन में यहां पे फिन निफ्टी एट प्रेजेंट ट्रेड नहीं कर रही है। तो एट प्रेजेंट फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे बता देता हूं, जब तक फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर 20,122 के ऊपर यहां पे सस्टेन करके ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती, तब तक ये नेगेटिव हैंड्स में ही है, यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है। तो 20,122 यहाँ पे मार्क कर लीजिए एंड ऑन द लोअर साइड यहाँ पे फुल सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये इस लोअर लेवल को 219-240 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे सेलर्स पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे और देन इसका नेक्स्ट सपोर्ट फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन निकल के आएगी। तो यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बीच में फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अभी वन डे के चार्ट पे हमने देखा, अभी 15 मिनट के चार्ट पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं, आज इस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, हालांकि यहाँ पे जो फर्स्ट 15 मिनट में ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, तो मोस्ट ऑफ द मोमेंट इसी कैंडल ने यहाँ पे कैप्चर कर दी, उसके बाद थोड़ा रिवर्सल लिया, फिर रीटेस्ट किया, देन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। तो हालांकि यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी, पर जो विक्स है, विक्स के हिसाब से प्रीमियम यहाँ पे कुछ खास बढ़ नहीं रहा। एज अ जो ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम चाहिए होता है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिल रहा है, और काफी डर रहता है इस तरीके में एंट्री लेने में, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फिर से रिवर्सल आ जाए या कंसोलिडेट करने लगे। यहाँ पे देखिए, पूरा टाइम फिर कंसोलिडेशन में यहाँ पे टाइम पास किया एंड देन फाइनली एक ब्रेकडाउन इसे यहाँ पे दिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अब इसके लिए जो आज की क्लोजिंग है, यही इसके लिए 19,544 विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर फिन निफ्टी। यहाँ पे मार्क कर लीजिए 19,544 का लेवल यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो कुछ खास यहाँ पे मेरे को एट प्रेजेंट दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मैं बताऊं कि कोई बड़ा मोमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, तो ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए, यहाँ पे फिन निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे, इस वाली लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा फिन निफ्टी, जो कि है 700 का लेवल यहाँ पे जो है, तो 700 के लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे फिन निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो कल ट्रेडिंग इसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्लान करनी होगी और स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखिए, ये वाली जोन आप ध्यान रखिए, इसके बीच में अगर गैप अप ओपनिंग कल अगर मिल जाती है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है तो सेल साइड में पोजीशन बनाई जा सकती है। मूवमेंट काफी छोटी छोटी ही मिलने वाली है, कोई क्लियर कट, कोई फास्ट मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, और इसी जोन के आसपास ओपनिंग होती है तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। अगर इस लेवल के आसपास कंटिन्यूअस ट्रेड करके एक डाउन साइड में ब्रेकडाउन देती है, देन इट कैन मूव अप टू 504 लेवल, दैट इज 50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिल सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन है, तो कोई खास मूवमेंट डाउन साइड में भी एक्सपेक्टेड नहीं है, अपसाइड में भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा।
अदरवाइज कोई पैटर्न नहीं भी बनता तो नहीं भी ट्रेड करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाउ इट इज ट्रेडिंग इन द ट्रैप जोन। तो फ्रेंड्स ये थी फिन निफ्टी की कल की एनालिसिस, कल फिन निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।